हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पकोड़े पकोड़े और पकोड़े, हम भारतीयों को पकोड़े इतने पसंद हैं कि हम किसी भी चीज़ में बेसन लपेट के उसके पकोड़े बनाने में महारत रखते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बनाने वाले हैं कॉर्न भजिया या फिर मक्का के पकोड़े, जो स्वाद में बहुत ही लाजवाब बनते हैं। कुरकुरे और स्वादिष्ट ये पकोड़े चले आज हम घर पर तैयार करेंगे। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले देखें, हमने यहाँ दो भुट्टे ले लिए हैं। ये जो सॉफ्ट वाले दाने वाले आते हैं ना, वो लिए हमने। जो बहुत हार्ड वाले दाने होते हैं वो नहीं लेंगे, या आप इसे स्वीट कॉर्न भी कह सकते हैं, वो हैं ये। अब हम इसके दानों को अलग करेंगे इस भुट्टे में से। देखिए, इस तरीके से चक्कू की सहायता से हम थोड़ा सा चलाएंगे ना, तो ये जो दाने हैं ये अलग हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से पूरे कॉब का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पूरे भुट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चाकू से आप इस तरीके से आप दानों को अलग कर सकते हैं। देखिए, ऐसे अलग करने से क्या फ़ायदा होगा, जो दाने हैं ना हमारे, वो कट जाएंगे, यानी पूरा साबुदाना नहीं निकलेगा। और पकौड़े बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो कॉर्न है उसका पूरा साबुदाना नहीं होना चाहिए। अगर आप स्वीट कॉर्न का जो पैकेट आता है उसको इस्तेमाल करें पकौड़े बनाने के लिए, तब भी आप ये सावधानी रखिएगा कि जो भी आप कॉर्न इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा चाकू की सहायता से थोड़ा थोड़ा सा काट लें, ताकि जब हम इसके पकोड़े बनाएं ना, तो वो तेल के अंदर जाके फटे नहीं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखें, हम सारे दाने इसी तरीके से निकाल लेंगे। कॉर्न को निकालने के बाद हम इन्हें एक बॉल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। स्वाद अनुसार इसमें ऐड करेंगे नमक। थोड़ा सा जाएगा हल्दी पाउडर, लगभग 1/4 चम्मच। स्वाद अनुसार ही ऐड कर देंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, लगभग 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, अदरवाइज खाली बेसन से भी ये पकौड़े बहुत बढ़िया बन के तैयार होते हैं। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है बेसन। देखिए, बेसन हम एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे, बैचेस में डालेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, यानी हमें उतना बेसन इस्तेमाल करना है। अब बेसन भी डालने के बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। चलें, हम इसमें अब ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 4 से 5 चम्मच पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से बाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब कॉर्न पकौड़े तैयार करते हैं तो उसका बैटर होगा ना, वो ऐसा तैयार करना है कि जो कॉर्न है वो बेसन के साथ बाइंड हो जाए, तभी इसका जो बैटर है वो परफेक्ट बनेगा। लेकिन देखिए, इस स्टेज पे मुझे ऐसा लग रहा है कि तो बेसन जो है वो थोड़ा कम है, क्योंकि जो कॉर्न है वो खिले जा रहे हैं, अच्छे से बाइंड नहीं हो रहे, तो हम इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर देंगे। आप भी कॉर्न के हिसाब से ही बेसन ऐड कीजिएगा, बैचेस में ऐड कीजिएगा, ताकि जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही बेसन जाए। अब थोड़ा सा बेसन ऐड और किया है हमने, और थोड़ा सा पानी ऐड करके हम वापस से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। लगभग मैंने यहाँ पर 180 से 200 ग्राम के करीब बेसन ऐड कर दिया है। चले, कॉर्न पकौड़े बनाने के लिए हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। देखें, इस तरीके का ये होना चाहिए। अब हम इसे पकौड़े तलेंगे। हमने एक कढ़ाई के अंदर तेल गरम होने के लिए रख दिया है। हमारा जो तेल है वो मीडियम गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम पकौड़े थोड़े थोड़े से करके डालेंगे। देखिए, इसकी कोई शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से इस तरीके से आप डालेंगे ना, तो ऐसे ये बहुत अच्छे लगते हैं, और इस तरीके से बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाते हैं। जितने एक बार में आ जाएंगे उतने ही हम कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे। बस इन्हें ओवरलैप नहीं करना, नहीं तो जो कॉर्न है वो बिखर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम पकौड़ों को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इन्हें सेट होने देंगे, और लगभग 1 मिनट के बाद हम किसी पलटे की सहायता से इनको इस तरीके से थोड़ा सा हिला लेंगे। और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको चलाते हुए हम पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुरकुरे और गोल्डन होने तक सेक के तैयार करेंगे।
बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि जब भी हम कॉर्न की भजिया या मक्का के पकौड़े बनाते हैं ना, तो वो तेल में जाते के साथ ही फटने शुरू हो जाते हैं। वो ये कारण होता है कि जो कॉर्न के अंदर मॉइस्चर होता है ना, तेल में जाते ही वो बाहर निकलता है, तो वो पटाखे की तरह फूटना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप भजिया बनाएं या मक्का की कोई भी रेसिपी बना रहे हैं जिसमें वो तले जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा पहले काट लें ताकि उनका मॉइस्चर पहले ही रिलीज़ हो जाए। अब देखें, अलटते पलटते हुए हमारे जो कॉर्न की भजिया है वो तैयार हो गई है। आप देखें, बढ़िया से इनके ऊपर गोल्डन कलर आ गया है और ये क्रिस्पी भी नज़र आ रहे हैं। चलें, हमारी कॉर्न भजिया बिल्कुल तैयार है। आप देखें कितना बढ़िया इसका कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पकौड़े हैं जब आप तलें ना, उन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही तलिएगा। लो फ्लेम पे भी नहीं तलना और बहुत हाई पे भी नहीं तलना। लो पे करेंगे तो तेल भर जाएगा और अगर ज़्यादा हाई पे रखेंगे तो ये बहुत जल्दी काले पड़ जाएंगे। अब हम इन्हें एक किचन टिश्यू पे निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम बाकी भजिया भी तल के तैयार कर लेंगे। चले, हमारी सारी कॉर्न भजिया या कॉर्न के पकौड़े तल के अब तैयार हो गए हैं। गर्मा गर्म पकौड़े ये अब सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर्विंग से पहले हम इसके ऊपर बुरक देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और बस गर्मा गर्म और कुरकुरे इन पकौड़ों को आप सर्व कीजिए चाय के साथ या फिर यूं ही हरी चटनी के साथ। एंजॉय कीजिए, बेहद मज़े के लगेंगे।